समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी डिंपल यादव की संपत्ति, आय और आपराधिक मामलों का ब्यौरा बताया। तो आइए आपको बताते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से अब तक यानी कि इन 3 सालों में अखिलेश यादव ने कितनी कमाई की और अब उनकी संपत्ति कितनी हो गई है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में 40 करोड़ 2 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति बताई है। 2019 लोकसभा के मुकाबले इनमें 3 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव की सालाना आय 1 करोड़ 25 लाख रुपए थी, जबकि पत्नी डिंपल यादव की सालाना आय 28 लाख 31 हजार रुपए थी। अब अखिलेश की आय घटकर 83 लाख 98 हजार रुपए हो गई है, वही डिंपल की आय बढ़कर 58 लाख 92 हजार रुपए हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने हलफनामे बताया है कि इन्होंने 2 करोड़ 13 लाख रुपए का कर्ज अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को दिया है। ये कर्ज 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले दिया गया था, जिसे आज तक मुलायम सिंह यादव ने नहीं चुकाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।